ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौरा विधानसभा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कांगड़ा के डमडाल के पास बहती चोंच कट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूली बच्चों से बड़ी गाड़ी बीच खड्ड में फंसी है। अचानक से खड्ड में पानी का बहाव तेज होने से गाड़ी फंस गई। गाड़ी को बीच में छोड़ चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी से बच्चे निकाले और बड़ा हादसा होने से टाल लिया। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में वीरवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कांगड़ा के डमटाल के पास से बहती छोच खड्ड का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी बीच खड्ड में फंस जाती है। अचानक खड्ड में पानी का बहाव तेज होने से गाड़ी फंस गई। गाड़ी को बीच में छोड़ चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी से बच्चे निकाले और बड़ा हादसा होने से टाल दिया। एक ट्रैक्टर चालक ने गाड़ी को चेन डालकर बाहर खींचा। इस बारे में जब जिला कांगड़ा के उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में दोपहर को आया। उन्होंने बताया कि पंजाब में नंगल भूपर जगह ये स्कूल है। उन्होंने बताया कि ये बच्चे हिमाचल के थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे और गाड़ी खड्ड के बीच फंस गई। उन्होंने बताया कि ड्राइवर सहायता लेने के लिए बाहर गया था, लेकिन उनको ये मामला कोताही बरतने वाला लग रहा है। इसलिए पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ धारा 188 और 366 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला मेरे संज्ञान में दोपहर को आया और एक पंजाब में नंगलपुर जगह है, वहाँ पर ये स्कूल स्थित है। बच्चे हिमाचल के थे और ये सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे, उस वक्त ये जो गाड़ी है फंस गई और ड्राइवर हेल्प लेने के लिए बाहर निकल कर गया। और चूंकि ये मामला हमें भी नेग्लिजेंस का लगा, इसीलिए पुलिस को भी आदेश दिए गए थे और पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस ड्राइवर के विरुद्ध रजिस्टर कर दिया। सर क्या धाराएं क्या लगी? और धाराएं जो मेरे को बताएं 188 336 धाराएं लगी हैं, इसमें आगामी कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू वेरी मच सर।